अब हम देखते हैं कि ट्यूब के अंदर अगर हमल हो जाए तो उसका इलाज किस तरह से किया जाए। ट्यूब के अंदर अगर आपका हमल हो गया और टाइमली आपको पता चल गया है, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। मैं वक्तन फवक्तन आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूं जिससे सुन के आपको फ़ायदा हो। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो का आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप सुने। एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ आपके ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि मैसेजेस पे हल नहीं हो सकते, उनको मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट लें ताकि प्रॉपरली आप मेरे से कंसल्ट कर सके। अदरवाइज जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको मैं जरूर डिस्कस कर लेती हूं। तो आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि ट्यूब के अंदर जो हमल होता है उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसको किस तरह से जो है वो हम उसको ट्रीट करते हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो बेसिकली सबसे पहले, इससे पहले कि हम ट्यूब के अंदर हमल को पढ़ें, आपको नेचुरली पता होना चाहिए कि एक बच्चादानी होती है जिसके अंदर दो ट्यूबें जुड़ी हुई होती हैं और ये ट्यूबें बिल्कुल ऐसे ऊपर खुलती हैं जाके अंडादानियों के ऊपर। जैसे ही अंडा फूटता है, अंडा एग रप्चर होता है, तो ये ट्यूब उसको अपने अंदर लॉक कर लेती है और स्पर्म आता है और उसके साथ मिलता है। ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और फिर उसके बाद ये ट्यूब वापस उसको यूट्रस में भेज देती है ताकि यूट्रस में उसके अंदर ग्रोथ होना शुरू हो, क्योंकि यूट्रस बेसिकली वो पार्ट होती है जहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ मौजूद होती है कि वो 9 महीने तक बच्चे को लेके चल सके। अब कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ही अंडा फटता है ट्यूब उसको पकड़ ज़रूर लेती है, वहाँ पे अंडा और स्पर्म आपस में मिल भी जाते हैं, लेकिन ट्यूब जो है वो किसी वजह से उसको वापस यूट्रस के अंदर नहीं भेज देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एम्ब्रियो है वो वहीं पर इम्प्लांट होने लग जाता है, अपनी जगह बनाने लग जाता है, ब्लड सप्लाई पकड़ने लग जाता है। अब चूंकि ट्यूब एक बड़ा ही नाजुक सा ऑर्गन है, जब वक्त के साथ साथ ट्यूब जो है वो के अंदर हमल बढ़ना शुरू होता है तो अचानक से क्या होता है कि मरीज को बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है पेट के नीचे वाले हिस्से में, और बाज़ुकात क्या होता है कि ट्यूब उस हमल को सहारा नहीं दे पाती और ट्यूब फट जाती है, जिसकी वजह से बहुत मैसिव ब्लीडिंग होती है और यहाँ तक कि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा हेमरेज की वजह से बेहोश हो जाते हैं और बाज़ पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बात, ये ट्रांसपोर्ट के दौरान पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है, अस्पताल में पहुँचे हैं वहाँ पे कोई माहिर डॉक्टर मौजूद नहीं है जो इसका ऑपरेशन कर सके, और इनको बड़े शहरों में रेफ़र किया जाता है और इस दौरान जो है वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। हम गवर्नमेंट सेटअप्स में जो है वो इन पेशेंट को ऑलमोस्ट, ये बिल्कुल एंड पे होते हैं जब इनकी हम इमरजेंसी सर्जरी करके और इसको वापस रिवर्ट करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ट्यूब के अंदर हमल रुक जाने की क्या वजूहात हो सकती हैं, किन लोगों के अंदर ऐसा हो सकता है। नंबर एक, वो लोग जिनका हमल थोड़ी देर से ठहरा, 2 साल 3 साल 4 साल, उनके अंदर ट्यूब के अंदर हमल होने की जो रेशो है वो ज़्यादा है। उनको हम बताते हैं कि आप विजिलेंट रहें, और जैसे ही ये पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है हम हफ्ते बाद इनको बुला लेते हैं ताकि हम अल्ट्रासाउंड, अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करके देख सकें कि हमल जो ठहरा है वो ट्यूब में ठहरा है या बच्चादानी में ठहरा है। इन पेशेंट्स को हम बता देते हैं। IVF में ऐसा नहीं होता, क्योंकि IVF में हम 5 दिन का बेबी ब्लास्टोसिस्ट डायरेक्ट यूट्रस में छोड़ के आते हैं, लेकिन जो मेडिकल ओरल मेडिकेशन से या किसी तरह से भी उनको हमल हुआ है तो चूंकि उनकी ट्यूबों के अंदर प्रॉब्लम होने की जो रेशो है वो ज़्यादा है, तो देखा गया है कि जो मरीज़ काफ़ी अरसे के बाद 4 साल 5 साल के साथ कंसीव करते हैं या मेडिसिन के साथ कंसीव करते हैं, उनमें आम पॉपुलेशन के नस्बत ट्यूब में अंदर प्रेगनेंसी का होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। नंबर दो, ये वो मरीज़ जिनके अंदर पेट के नीचे वाले हिस्से का इन्फेक्शन, जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, उनके या ट्यूबों के अंदर इन्फेक्शन हुआ होता है, उसमें क्या होता है कि ट्यूबें खुली तो ज़रूर होती हैं लेकिन वो उनकी जो अंदर एक वेव की तरह की मोशन होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है कि अंडे को दोबारा वापस भेजने के काबिल नहीं होती या लेस एफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमल उधर ही ट्यूब के अंदर रुक जाता है। इसी तरह से अगर आपको एक दफ़ा ट्यूब में अंदर हमल हो गया है तो आपको अगला हमल ट्यूब के अंदर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी ट्यूब के जो कुछ फंक्शन हैं वो ख़राब हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि पेट के अंदर बहुत टीएन बनती हैं, उनमें भी क्या होता है कि ट्यूबें बेशक खुली भी हों लेकिन वो आगे पीछे जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वापस जो है वो अंडे को दोबारा यूट्रस, फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस में भेजने का अमल मुतासर होता है और इन मरीज़ों के अंदर भी
ट्यूबल प्रेगनेंसी होने का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि ट्यूब के अंदर अगर हमल हो जाए तो उसका इलाज किस तरह से किया जाए। ट्यूब के अंदर अगर आपका हमल हो गया और टाइमली आपको पता चल गया है तो इस तरह से अगर इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई, यानी 3 या 3.5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं हुआ हमल और उसके अंदर जो है वो बेबी की हार्ट बीट नहीं आई या वो हमल फटा नहीं है तो और आपका जो हार्मोन है बीटा एसजी उसका लेवल भी एक खास लेवल से कम है तो हम इवन मेडिसिन से भी आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये उन केसेस के लिए है जिनको जल्दी हमें पता चल जाता है, उनको हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी वहीं पर डिजॉल्व होने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाती है। 80 से 85% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि हम आपको जो है वो कैमरे के ज़रिए से आपकी ऑपरेट करते हैं जिसमें हम आपकी जो ट्यूब है उसकी मिल्किंग करके उसमें से या तो वो जो हमल होता है वो निकाल देते हैं या बाज़ का ट्यूब के ऊपर छोटा सा कट लगा के उसमें से हम वो हमल निकाल लेते हैं। और अगर ट्यूब की हालत बहुत नाजुक हो तो फिर हम उस ट्यूब को क्लिप भी कर देते हैं क्योंकि वो आगे मज़ीद उसके अंदर यही चांस है कि वो बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसके अंदर होगी। तीसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, शॉक की कंडीशन में आप आई हैं, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और एचएचपी भी बहुत कम हो गई है, खून सारा पेट में इकट्ठा हो गया है, तो फिर कैमरे वाला टेस्ट कैमरे वाला ऑपरेशन करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें हमने कैमरे वाले ऑपरेशन में काफ़ी देर लग सकती है। तो हम पेशेंट का पेट खोल के कट लगा के उसमें हम ट्यूब के अंदर से ब्लीडिंग को फौरन सिक्योर करते हैं, जो इकट्ठा हुआ हुआ ब्लड होता है उसको सारे को निकाल लेते हैं और फिर बाजूकात हमें उसमें ट्यूब जो है वो निकालनी भी पड़ सकती है। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जिनकी ट्यूब के अंदर एक दफ़ा प्रेगनेंसी हो चुकी है या उनकी अगर ट्यूब निकल गई है, एक तो ये कि वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा ना हो कि अब हमारी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने जो रेस्ट ऑफ द ट्यूब है उसके साथ कंसीव किया है लेकिन वो कंसेप्शन आप घर में इंतज़ार के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कंसल्टेंट के पास आना पड़ेगा जो आपका जो है वो एग को मॉनिटर करे और इसके अलावा फर्दर जो है वो आगे आपका प्रोसेस जो है वो चलाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आपने कमेंट ज़रूर करना है, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। इसके अलावा मैंने फीमेल गायनी सॉल्यूशन के नाम से एक फेस के ऊपर पेज बनाया है, आप जाइए उसको ज्वाइन कीजिए, उसकी डिस्कशंस के अंदर पार्ट प्ले कीजिए। मैं इंशाल्लाह जब उसमें 1K से ऊपर की ऑडियंस हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली उसमें लाइव आया करूँगी और वो लोग जो मेरे क्लिनिक नहीं आ सकते मैं उनके लाइव सेशंस, उनके क्वेश्चंस, उनकी क्वेरीज का जो है वो वहाँ पे आंसर किया करूंगी। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।